नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है नमन। आप देख रहे हैं एंड्रॉइड और रिसेंटली रियलमी ने अपने दो नए स्मार्टफोन्स भारतीय बाजार में प्रस्तुत करे हैं। पहला रियलमी 10 प्रो प्लस, जिसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी आपको दे दी है और संभवतः आपने देखी भी होगी, और उसी के साथ लॉन्च किया गया है यहाँ पे रियलमी 10 प्रो 5G। अब ये वाला फोन 20,000 रुपए के नीचे लॉन्च किया गया है। तो इस वाले स्मार्टफोन के साथ ना मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। सर्वप्रथम अनबॉक्सिंग देख लीजिए। तो डिब्बे में भाई साहब समस्त सामग्री उपलब्ध कराई गई है। अब इस वाले स्मार्टफोन को जब ऐसे देखते हैं पीछे से, तो थोड़ा सा कुछ ऐसा डिजाइन मिल जाता है, इसमें सनलाइट सा पैटर्न बनता है। वैसे ये प्लास्टिक बैक है, प्लास्टिक का फ्रेम है, फ्लैट फ्रेम है वैसे इसमें। परंतु जैसे इसको आप सामने से देखते हैं ना, सबसे पहले आप नोटिस करेंगे कि ये टॉप एंड बॉटम बेजल्स हैं। इतने कम बेजल्स मैंने किसी स्मार्टफोन में वैसे देखे नहीं, मतलब 20,000 रुपए के अंडर जो आते हों। इनफैक्ट यहाँ पे जो ईयरपीस दिया गया ना, वो थोड़ा ऐसे ऊपर की साइड दिया गया भाई, ताकि यहाँ पे जगह बचाई जा सके। मतलब ऐसे सामने से देखते हैं भाई, काफी शानदार दिखता है ये, नो डाउट। अब ये वाला कलर व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत ज्यादा पसंद नहीं है, ग्लॉसी। परंतु इसके अलग अलग रंग उपलब्ध हैं, ब्लैक वाला भी है, ब्लू वाला भी है, वो मैट फिनिश आते हैं। अब इस वाले फोन का जो मेन फोकस मुझे लगा ना, ये इसकी डिस्प्ले ही है। यदि हम बेसिक डिटेल्स की बात करते हैं, खैर उसके पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब अवश्य करिए। और इस वीडियो में मात्र आपसे 2000 लाइक चाहिए, तो आशा करता हूँ कि आप लाइक अवश्य करेंगे। तो 6.7 इंच की एक फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, स्नैपड्रैगन 695 5G चिपसेट है, LPDDR4X रैम, UFS 2.2 स्टोरेज, और इसमें एक हाइब्रिड स्लॉट है, 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, और पीछे की तरफ आप बस एक ही कैमरा मानिए, दूसरा डेप्थ सेंसर है, अल्ट्रा वाइड यहाँ पे नहीं है, और 16 का सेल्फी कैमरा, 5000 mAh की बैटरी और 33 वोट की फास्ट चार्जिंग। वैसे मैंने चार्जिंग टेस्ट किया था, 1 घंटे 8 मिनट में लगभग 1% से 100% ये मतलब चार्ज हुआ। फिजिकल ओवरव्यू आप देख सकते हैं, बैक में यहाँ पे जो प्लास्टिक मिलता है इसमें स्मजेस काफी चिपकते हैं, हेडफोन जैक भी मिल जाता है, सेकेंडरी नॉइज कैंसिलेशन माइक भी, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है इसमें। लगभग 192 ग्राम वजन है इसका। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसकी जो मेन हाईलाइट लगी मुझे ओवरऑल इसके डिस्प्ले बेजल्स ही लगे, बाकी इसमें डुअल स्पीकर मिल जाते हैं, ये ईयरपीस एज अ सेकेंडरी स्पीकर काम करता है। यहाँ पे अल्ट्रा वॉल्यूम मोड भी मिलता है, जहाँ पे 200% वॉल्यूम कर दिया जाता है। वैसे ओवरऑल लाउडनेस ठीक है, LCD डिस्प्ले के हिसाब से जो आउटडोर ब्राइटनेस है वो भी सही लगी, निसंदेह। यहाँ पे OLED डिस्प्ले होती तो ब्राइटनेस थोड़ा और बेटर हो सकती थी। अब यहाँ पे जो कंफ्यूजन की बात मैंने करी थी स्टार्टिंग में, वो बताता हूँ कि इस प्राइस सेगमेंट में क्या है ना, OLED डिस्प्ले वाले स्मार्टफोन्स भी उपस्थित हैं। इनफैक्ट मोस्टली स्मार्टफोन्स में अल्ट्रा वाइड सेंसर भी है। रियलमी का ही 9 प्रो जो इसके पहले लॉन्च हुआ था, वो भी मतलब इसकी तुलना में कुछ जगहों पे अच्छा लग रहा है। वैसे इस वाले फोन में 2 स्टोरेज वेरियंट है, 6 128 GB और 8 128 GB, एक 18999 का है, एक 19999 का। अब इस प्राइस में मोटो पोको रेडमी की तरफ से ऑन पेपर थोड़ा बेटर स्पेक्स के साथ स्मार्टफोन्स उपलब्ध हैं, उसके आधार पे इसकी प्राइसिंग मुझे बहुत अग्रेसिव नहीं लगी। बाकी अगर कुछ फैक्टर्स की बात करते हैं, तो हैप्टिक फीडबैक ठीक है इसका, रियलमी 9 प्रो प्लस जैसा नहीं है इसका, तो भाई काफी बढ़िया है। 5G के 7 बैंड्स मिल जाते हैं, तो यहाँ पे भी कोई समस्या नहीं लगी। अच्छा, यहाँ पे वाइडबैंड L1 तो मिल जाता है, और यहाँ पे प्राइम वीडियो पे फुल HD कंटेंट स्ट्रीम कर सकते हैं। परंतु जब मैंने इसमें नेटफ्लिक्स ट्राई किया, तो यहाँ पे दिखा रहा है कि इस फोन के लिए फिलहाल ये अवेलेबल नहीं है, तो ये मुझे एक ग्लिच लग रहा है। आई होप कि ये जल्दी फिक्स हो जाएगा। साथ ही इस वाले फोन की एक USP और है कि ये आउट ऑफ द बॉक्स Realme i4 और Android 13 पे चलता है। Realme i4 में काफी ज्यादा UI चेंजेस किए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे क्विक टॉगल मेन्यू देख सकते हैं, ओवरऑल आइकन्स को थोड़ा रीडिजाइन किया गया है, सेटिंग्स मेन्यू एंड ऑल को थोड़ा सा चेंज किया गया है, रीडिजाइन किया गया है। पर यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लॉटवेयर काफी ज्यादा प्री इंस्टॉल्ड मिलते हैं, हॉट एप्स हॉट गेम्स भी मिलता है, रियलमी का एप स्टोर भी यहाँ पे दिया गया है, एप ड्रॉर में भी एप रिकमेंडेशंस आती हैं, सिस्टम एप फाइल मैनेजर में भी एड्स आती हैं। तो ओवरऑल रियलमी i4 में एड्स एंड ब्रॉडवेस्ट थोड़ा ज्यादा ही इंप्लीमेंट करे गए हैं अलग अलग जगहों पे, जो कि थोड़ा सा अनोइंग लगे मुझे। अब इनमें से कुछ चीजें आप डिसेबल कर सकते हैं, कुछ चीजें आप डिसेबल नहीं कर सकते। हाँ, USP मैंने इसलिए बोला इसे क्योंकि ये आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 पे आता है, और इसके पिछले जनरेशन वाले जो भी अलग अलग ब्रांड के स्मार्टफोन्स हैं वो एंड्रॉइड 12 पे चल रहे हैं, और एंड्रॉइड 13 का अपडेट मोस्टली फोन्स में अभी तो नहीं आया है। अच्छा, कैमरा 108 मेगापिक्सल का है, जो कि मैं ओवरऑल कहना चाहूंगा ओके है, थोड़ा एवरेज कह सकता हूं क्योंकि अल्ट्रा वाइड सेंसर भी यहां पे नहीं है। फ्रंट कैमरा थोड़ा सा ब्यूटीफाइड लुक देता है, मतलब मोस्ट ऑफ द कंडीशंस में। हाँ, फ्रंट कैमरा में जो एक्सपोजर मैनेजमेंट है वो काफी सही लगा, यहां पे आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। रियर कैमरा 108 मेगापिक्सल में मतलब काफी अच्छी डिटेल्स कैप्चर कर लेता है। परंतु इस प्राइस कैटेगरी के मोस्टली स्मार्टफोन जो मैंने टेस्ट करे ना, वो ओवरऑल कैमरा में थोड़ा एवरेज एक्सपीरियंस ही देते हैं। कुछ कंडीशंस में हमने इसके थ्रू भी कुछ अच्छी इमेज कैप्चर करी, इमेजेस को बहुत ज्यादा ओवरसाइज
सैचुरेट या फिर ओवर प्रोसेस नहीं कर रहा है जो रियर कैमरा है। साथ ही कैमरा यूआई में ये कुछ मोड्स मिल जाते हैं, मोड में जाते हैं तो ये सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। फ्रंट एंड रियर दोनों ही कैमरा से 1080p 30fps तक वीडियो शूट कर सकते हैं और EIS इंप्लीमेंट किया गया है फ्रंट कैमरा में भी और रियर कैमरा में भी। तो ओवरऑल रियलमी 10 प्रो स्मार्टफोन के लिए विशेष रूप से भाई कॉम्पिटिशन जो है ना ऑलरेडी मतलब काफी अच्छा खासा है। डेफिनेटली इस फोन की भी कुछ USPs हैं और कहना चाहूंगा कि परफॉर्मेंस भी इस प्राइस पे डिसेंट मिल जाती है, बट सेम चिपसेट साथ आपको बेटर स्पेक्स भी ऑफर कर रहे हैं कुछ ब्रांड्स। तो बस यही चीज कंफ्यूज कर रही कि ये एग्जैक्टली कहां पे स्टैंड करेगा बाकी ब्रांड्स के सामने। वैसे आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है आप टिप्पणी के माध्यम से अवश्य बता सकते हैं। बाकी कुछ ऐसा है Realme 10 Pro स्मार्टफोन, कैसी लगी आपको वीडियो, कैसा लगा स्मार्टफोन टिप्पणी के माध्यम से अवश्य बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, नमस्कार।